देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ग्रीन हो चुका है। पहले ये बिल्कुल ब्राउन था और अब इसकी पत्तियाँ पूरी तरीके से ग्रीन हो चुकी हैं। तो बस आपको ये सिंपल सा तरीका अपनाना है और आपका एलोवेरा ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा और ग्रीन हो जाएगा पूरी तरीके से। तो सबसे पहले जो हिस्से पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं उन्हें काट कर हमें हटा देना है। अगर कोई जंगली घास उगाई हो आपके पॉट में या फिर कोई वीड उगाया हो, कोई जंगली पौधा उगाया हो तो उसे भी हटा देना है। ये पार्ट्स पूरी तरीके से डेड हो चुके थे इसलिए इनको काट कर हटाना ज़रूरी था। कई बार सॉइल की ऊपरी सतह पर फंगस डेवलप हो जाता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। अगर आपके पॉट में भी कोई फंगस डेवलप हुआ है तो आप वहाँ पर खुरच कर ऊपर की लेयर को हटा दें। इसके बाद ये सुनिश्चित करें कि आपके गमले में पानी की प्रॉपर ड्रेनेज है, यानी कि पानी किसी भी तरह से रुक नहीं रहा है। एक पॉट ऐसा ले जिसके नीचे पर होल हो जिससे एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल सके। एलोवेरा की जड़ें जो हैं उनमें बहुत जल्दी रॉटिंग हो जाती है इसलिए एलोवेरा को हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक लेयर वर्मी कंपोस्ट के अपने गमले में डाल सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल भी डाल सकते हैं। और ऐसा करने के बाद हमने जो अपना प्लांट बाहर निकाला था उसे वापस से ट्रांसप्लांट कर देंगे उसी पॉट में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो एलोवेरा है वो किसी भी तरफ पर गिरे नहीं, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। इसके लिए आप इसके चारों तरफ पत्थर रख सकते हैं या इसे किसी चीज़ से बांध सकते हैं। ऊपर पत्थर रख देने से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है सॉइल को और हमारे पौधे जो हैं वो एक तरफ पर गिरते नहीं हैं। यहाँ इस एलोवेरा को लेमन ग्रास की एक पत्ती से बांध दिया गया है। हमें अब इसे किसी शेड वाली जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े, नहीं तो ये फिर से झुलस जाएगा और ब्राउन हो जाएगा। और इस पर सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है, बस आपका एलोवेरा हरा भरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ग्रीन हो चुका है। पहले ये बिल्कुल ब्राउन था और अब इसकी पत्तियाँ पूरी तरीके से ग्रीन हो चुकी हैं। तो बस आपको ये सिंपल सा तरीका अपनाना है और आपका एलोवेरा ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा और ग्रीन हो जाएगा पूरी तरीके से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।